आलोक बता रहा था कि पुलिस कह रहे हैं कि जो लोगों ने गोली मारी थी हैं, उन लोग का पता ही नहीं चल रहा है, पहचान ही नहीं हो पा रही उनकी। हाँ अम्मा जी, वो लोग काशी और बद्री से मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट के बारे में भी पूछ रहे थे, लेकिन किसी ने कुछ देखा ही नहीं था। और फिर जिस गली में ये सब हुआ वहाँ तो सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था। लो बताओ, ये तो वाली बात होगी जैसे भूसे के ढेर में सुई ढूंढना। ऐसे कैसे हो सकता, इतने सारे लोग थे, किसने कुछ देखा ही नहीं? पंडित जी, देखा भी होगा तो बताएंगे थोड़ी, ऐसे मामलों में कोई नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन पापा एक बात समझ में नहीं आई, ये ईशा तो दिल्ली में रहती है और कॉलेज में पढ़ने वाली बच्ची है, तो यहाँ बनारस में उससे या फिर दीपा से किसी को क्या दुश्मनी हो सकती है जो उस पर अटैक करवा दे? आपको पुलिस ने कुछ बताया? पुलिस तो इसे लॉ एंड ऑर्डर का इशू बताकर अपना पल्ला झाड़ रही है। वो कह रहे हैं कि शायद दो गुटों में आपस में फायरिंग हो रही थी और ये बीच में आ गई है, लेकिन हमें लगता है मामला कुछ और है। हाँ पंडित जी, हमें पापा, आप कुछ कहने वाले थे? अम्मा जी हमें भी बताइए ना, क्या बात है? बेटा, हमें लगता है ये मामला ना तो क्रॉस फायरिंग का है और ना ही ये गोली ईशा पर चलाई गई थी। ये गोली चलाई गई थी पूर्वी पर, जो गलती से ईशा को लग गई। पूर्वी पर? लेकिन कोई पूर्वी को क्यों मारना चाहेगा? सोचो, पूर्वी से किसे प्रॉब्लम हो सकती है? सिर्फ और सिर्फ सुबोध कांत त्रिपाठी को, क्योंकि अगर पूर्वी के गर्भवती होने से त्रिपाठी की बदनामी फैल गई शहर में, तो समझो कि उसका पॉलिटिकल कैरियर हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो इतनी सी बात के लिए कोई इतना बड़ा क्राइम कर सकता है? हाँ बाबू, कर सकता है। हम मिले हैं उससे, बहुत ही राक्षस प्रवृत्ति का है वो, बहुत ही बेकार गंदा आदमी है वो बेटा। तुम नहीं जानती बेटा, हमारे यहाँ पैसे और पावर के लिए लोग कितने बड़े बड़े अपराध कर जाते हैं। अच्छा बहू, देखो ऐसा है कि ये समय नहीं है ये बात किसी को बताने का, ये समय है पूर्वी और ईशा को देखने का, है ना पंडित जी? सही बात है, ये बात अगर इस समय उन बच्चों को पता चली तो बेचारी बहुत घबरा जाएंगे। दोनों कितनी फूल सी कोमल और प्यारी बच्चियां हैं। एक काम करते हैं, हम दोनों चल के उन दोनों के पास थोड़ी देर बैठते हैं। वो दिखा नहीं रही है लेकिन अंदर से बहुत घबराई हुई, डरी हुई है। बिल्कुल सही कह रहे पंडित जी, इस समय हमारी दोनों नातिनों को जरूरत है हमारी। पूर्वी, वो हम ईशा के लिए इतना डर गए थे कि चोर सूझा ही नहीं, हमारे तो दिमाग से ही निकल गया कि तुम भी तो उसी रिक्शा में थी। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तुम ठीक हो ना? डोंट वरी काशी, हम एकदम ठीक हैं। वैसे बात कहे तुमसे, बुरा तो नहीं मानोगे? हम तुम्हारी बातों का बुरा थोड़ी ना मानते हैं, कहो ना।
हमें लगता है ईशा के मन में ना स्पेशल वाली फीलिंग्स है तुम्हारे लिए। मतलब मतलब काशी जैसे उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा, सिर्फ तुम्हारा नाम लेके चिल्ला रही थी वो। काशी मुझे दोष दीपा पुआ की भी नहीं सुन रही थी, उनसे भी नहीं संभल रही थी, सिर्फ काशी काशी पुकार रही थी वो। तो हमें लगा कि बहुत चाहती है वो तुम्हें। हाँ चाहती तो है, लेकिन वैसा नहीं चाहती जैसे तुम समझ रही हो। वो हमारी दोस्त है तो दोस्ती वाला मतलब वैसा वाला चाहती है, वैसा वाला। अच्छा हाँ। हमने पूछा तुमसे कैसा वाला चाहती है वो, हम तो बस वही बता रहे हैं जो हमने देखा। अच्छा छोड़, ये बताओ हम 2 चम्मच हल्दी डालते ना? नहीं 2 चम्मच नहीं, 2.5 चम्मच। मास्टर जी हमेशा 2.5 चम्मच डलवाते हैं। पूर्वी हमारे और ईशा के बारे में कुछ ऐसा वैसा मत समझना, बचपन की दोस्त है ना हमारी और कुछ नहीं है। पर बहुत ही शैतान है वो, हमेशा हमें छेड़ती रहती है बस और कुछ। हाँ काशी हमें पता है, पता है हमें। अच्छा हम भी तो तुम्हें छेड़ ही रहे थे, तुम कॉन्शियस क्यों हो रहे हो इतना? हाँ नहीं 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 हो रहे। चलो ठीक है, ये दूध ना तुम ईशा के लिए ले जाओ। दूध हम ले जाते हैं। गुंजन चाची खुश रहिए, खुश रहिए। पूरी ये गुंजन चाची आलोक चाचा की वाइफ। नमस्ते। नमस्ते, तुम पूर्वी हो ना? खुश रहो, बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। पूर्वी अगर बुरा ना मानो तो हम तुमसे कुछ कह सकते हैं? कुछ दिन ना अभी घर से बाहर मत जाना। पर ऐसा क्यों गुंजन चाची? वो ईशा के साथ जो कुछ हुआ है ना, अम्मा जी और पापा बहुत घबरा गए हैं तुम्हें लेकर। बनारस में गोलियां रोज रोज थोड़ी ना चलती, सिर्फ एक एक्सीडेंट था ना। हाँ हम समझते हैं, लेकिन क्या है ना, अगर कुछ दिन बाहर नहीं जाओगी तो अम्मा जी को तसल्ली रहेगी। हाँ अरे दूध तो ठंडा हो गया, हम दोबारा गर्म कर लेते हैं। आज तो बेटा तुमने डरा दिया था ईशा। सही है, इतनी देर में तो हमने सारे देवी देवताओं से मनौती मांगी कि ईश्वर जितना बुरा वो हमारे साथ तो हमारी गुड़िया रानी को कर। रानी कुसुम, कुसुम ईशा ठीक है? कुसुम संभालो अपने आप को, तुम्हारे सामने बैठी है हंसती खेलती। एक्जेक्टली पार्टनर। नानी आप रोइए मत प्लीज, मुझे देखिए, मुझे देखिए, देखिए मैं ठीक हूं ना? बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा मुझे। वो तो इसलिए क्योंकि ये पेन किलर का असर है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बिस्तर से उतरो और उछल कूद करने लगो, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। चलो आगे हो जाओ, हम तो अब तक क्या ठीक कर देते। नहीं मम्मा रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। नानू काशी कहाँ है? काशी बेटा वो काशी और पूर्वी तुम्हारे लिए हल्दी का दूध बनाने गए हैं, नानी ने भेजा है। गंदी बात, हल्दी वाली दूध पियोगी तो फटाफट अच्छी हो जाओगी।
अंदर के सारे चोटे हैं ना जल्दी से भर जाएगी। हाँ ये दूध पी लेना और कुछ खा भी लेना और दवाई लेके हमारे साथ सो जाना हमारे कमरे में, ऐसे हम तुम्हें रात भर देख सकेंगे। नो मम्मा प्लीज, दिल्ली में वैसे भी एक ही बेडरूम है हमारा, वहां भी एक साथ ही सोना पड़ता है, एटलीस्ट यहाँ तो मेरे ऊपर मेहरबानी करो, स्पेयर मी। ईशा मम्मी ठीक कह रही है, और आज की रात ये बेचारी तुम्हें अकेला कैसे छोड़ेगी? तो नानू अकेली कहाँ हूँ मैं, पूर्वी है ना मेरे साथ, वो मेरा ख्याल रख लेगी। और इनके साथ सोकर क्या ही होगा, बस ज्ञान देती रहेंगी ये मत करो वो मत करो ऐसे मत करो। I just can't stand her. ईशा you can't stand me, कोई अपनी माँ से ऐसे बोलता है क्या? हाँ अच्छा जी अभी तो माँ से खूब नाराजगी दिखा रही हूँ, और थोड़ी देर पहले जब दर्द उठ रहा था तो मम्मा मम्मा कौन पुकार रहा था? हाँ हमने देखा सब। नानी वो मेरे मुंह से गलती से ही निकला होगा by default, otherwise मैं तो मर भी रही हूँ ना तब भी इनका नाम ना लूँ। ईशा ये कैसी बातें कर रही हो, माँ है वो तुम्हारी, तमीज से बात करो। दीपा जाने दो, थोड़ी चिड़चिड़ाई हुई है, दर्द हो रहा है ना गुड़िया को? क्यों इतनी नफरत करती हो हमसे? बस बहुत हो गया, अब ईशा ठीक हो जाएगी ना तो हम वापस दिल्ली चले जाएंगे। क्यों क्यों क्यों, इतनी क्या जल्दी है आपको, मुझे बनारस में रहना है। क्यों तुम्हें आगे नहीं पढ़ना, MBA नहीं करना, क्या रखा है बनारस में? देखा ना यहाँ कितनी गुंडागर्दी है, भरे बाजार में गोली चल जाती है वो भी बिना किसी दुश्मनी के, समझ में नहीं आ रहा है ये किसने किया क्यों किया। उरा ये क्या है, ये लाइट को क्या हो गया? आलोक जरा देखो तो। जी पापा। पापा सिर्फ हमारे घर की लाइट गई है, पूरे मोहल्ले की बत्ती तो जल रही है। क्या मतलब? अम्मा जी जो जहाँ है वहीं रहिएगा, हम मोमबत्ती ला रहे हैं। हाँ ठीक है बहू। आलोक तुम जरा बिजली विभाग में फोन करो, पता करो कि बात क्या है। जी पापा। टूटा क्या? क्या हो रहा है? पता नहीं आलोक चाचा, कांच टूटने की आवाज आई। कांच टूटने की आवाज आई ना? पापा आप ठीक हो ना? अम्मा चोट तो नहीं लगे? कौन है? कौन बच्चा आ रहा है? तुम्हारा भी? ये सबके सेलफोन्स पे मैसेजेस एक साथ कैसे आ रहे हैं? हाँ वही तो। आज तो बच गई, गोली दूसरी लड़की को लग गई, लेकिन हर बार नहीं बचेगी। अगर तुम्हारी ये जिद है जगन्नाथ मिश्रा कि उस लड़की को नहीं निकालोगे, तो इस जिद का खामियाजा
तुम्हारे पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा और उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। ये मैसेज किसने भेजा होगा? सुबोध खान त्रिपाठी। ये हमला ईशा पे नहीं हुआ था, उर्री पे हुआ था और गलती से हमारी ईशा को गोली लग गई। पापा, आपको ये बात पता थी? अम्मा, तुम लोगों को सब कुछ पता था फिर भी चुप रहे? इतना सब कुछ हो गया फिर भी कुछ नहीं बताया? आज तुम लोगों के लिए वो पूर्वी हमारी ईशा से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसी बातें कर रही है तुम बेटा? ऐसा थोड़ी है, ईशा की चिंता नहीं है हमें, हैं? क्या बोल रही है तू बेटा? लेकिन पूर्वी की परेशानी भी तो समझा करना। हम सब समझ गए, अब हमें और कुछ नहीं समझना, बहुत हो गया। मम्मा, मम्मा क्या? आज नहीं सुनूंगी मैं कुछ। ये क्या कर रही है? मम्मा, पूर्वी के कपड़े क्यों फेंक रही हो? अरे बेटी, 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 बेटा ऐसे नहीं करते। बेटा ये पागल पर मत कर। दीपा, हट जाओ रास्ते से। बेटा इतना गुस्सा ठीक नहीं है। मत आओ। इसे रोको, रोको। क्या करना चाह रही है ये? अरे हम हमारी बात ही नहीं सुन रही। दीपा, मम्मा, सुनो पापा क्या कह रहे। दीपा, दीपा, ओ राम, दीपा रुक जा बेटा, ऐसा नहीं है जैसा तू सोच रही है। दीपा बाहर क्यों आई हो? कैंडल्स लेकर आ रहे थे ना हम। क्या हुआ दीपा बुआ? दीपा, दीपा बुआ, अरे कहाँ लेके जा रही है पूर्वी को? काशी जल्दी जाओ, देखो क्या हुआ। गुंजन चाची, दीपा बुआ। चुप रहो काशी। ये बैग दीपा बुआ। अम्मा जी, अरे हमारा दीपा, रास्ता छोड़ो, समझ में नहीं आ रहा। क्या है? दीपा रुक। ओ राम, दीपा ये क्या पागल बनती है? दीपा बुआ, दीपा बुआ हुआ क्या? दीपा बात तो सुनो। पंडित जी जल्दी आइए, नीचे आइए, अनर्थ हो जाएगा नहीं तो। नानू रुकिए, मैं भी आ रही हूँ। दीपा बुआ कुछ तो बताइए, क्या हो गया ऐसे? ये क्या कर रही है दीपा, क्या कर रही है दीपा? निकल जाओ उस घर से अभी के अभी। सुना नहीं तुमने? तुम इस घर में नहीं रुक सकती। ये क्या पागलपन है दीपक? पागलपन? पागलपन वो है जो हम कर रहे,
या पागलपन वो है जो आप लोग कर रहे हैं। अम्मा ये ईशा है, ये वही ईशा है जिसे आप हमारी गुड़िया कहते थकते नहीं थे। जरा सा भी बुखार आता था ना तो आप दोनों रात रात भर जागते थे। पापा की तो लाडली थी ये, पार्टनर कहते थे ना। फिर क्या हुआ, सारा प्यार खत्म? क्यों, ऐसा कौन सा मंत्र फेर दिया इस लड़की ने आप दोनों पे कि आप लोग अपने पराये की भेद भूल चुके हैं?